नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजन अमेंडमेंट बिल CAB, इस मुद्दे को लेकर के पिछले कुछ दिनों से देश भर में आंदोलन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन काफी मात्रा में हिंसक हो चुके हैं। बात चाहे जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की हो या कानपुर, लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, इलाहाबाद, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, केरला या देश के किसी भी जगह पर होने वाले आंदोलनों की। इस बिल के बाद हुए हिंसक आंदोलनों के तहत देश भर में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस के साथ भी हिंसक झड़प लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन बेंगलुरु के DCP के सूझबूझ के कारण वहां हो रहे आंदोलन को काफी हद तक समाप्त करा लिया गया। साथ ही साथ आंदोलनकारी DCP चेतन सिंह के इस प्रयास के बाद घर भी लौट गए। आपको बता दें कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और उसी प्रदर्शन के तहत बेंगलुरु में भी व्यापक प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस ने इस मामले को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस असफल होते हुए दिखी तो स्वयं DCP चेतन सिंह वहां पर पहुंचे और चेतन सिंह ने खुद भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं मेरे देशवासियों के साथ एक गाना गाऊंगा और आप सब मेरे साथ मिलकर के गाना गाएंगे। DCP चेतन सिंह ने राष्ट्रगान गाया और सारे के सारे प्रदर्शनकारियों ने साथ में मिलकर के राष्ट्रगान गाया, जो एक बात तो साबित करता है कि कितने भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हों, कितने भी उग्र आंदोलन हो रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रति सम्मान, देश के राष्ट्रगान के प्रति सम्मान अभी भी बाकी बचा हुआ है। चेतन सिंह के इस प्रयास के बाद उनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है और उनके इस प्रयास की देश भर में प्रशंसा हो रही है। देश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन किसी भी प्रकार से संवैधानिक तौर पर प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं और न ही ये प्रदर्शन का कोई एक बेहतर प्रयास कहा जा सकता है। किसी को भी प्रदर्शन करना है तो हमारे देश का संविधान उसे पूरी आजादी देता है कि वो प्रदर्शन करे, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान ना तो किसी नागरिक को कोई क्षति होनी चाहिए और ना देश की संवैधानिक संस्थाओं, ना ही देश की किसी सांस्कृतिक विरासत को कोई क्षति होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश भर में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर के एक बात बहुत बुरी तरीके से सामने आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने सारी चीजों को ताक में रख करके संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ सांस्कृतिक विरासतों और सामाजिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस के खिलाफ भीड़ के द्वारा पत्थरबाजियां की जा रही हैं, जो किसी भी हालत में सही नहीं ठहराई जा सकती हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं जहां पुलिस के द्वारा भी आक्रामक रुख अपनाया गया, लेकिन किसी भी हालत में हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। खबरदार न्यूज देश भर से आग्रह करता है कि इन दिनों उड़ रही अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रदर्शन का शांतिपूर्ण तरीका अपनाएं जो संवैधानिक तौर पर हमें अधिकृत किया गया है। हिंसात्मक प्रदर्शन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकते हैं। बेंगलुरु में DCP चेतन सिंह ने कैसे कराया आंदोलनकारियों को शांत, आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर मुझ पे भरोसा है, अगर मुझ पे भरोसा है तो मैं एक गाना गाऊंगा और उस गाने में मेरे सारे देशवासी मेरे साथ खड़े होंगे। इतना कहकर चेतन ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। जनगण मन के शुरू होते ही एक एक करके सभी प्रदर्शनकारी खड़े हो गए और उनके साथ राष्ट्रगान गाने लगे। फिर क्या था, राष्ट्रगान खत्म होते ही सारे प्रदर्शनकारी वहां से चले गए।
डीसीपी चेतन राठौर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग डीसीपी चेतन की समझदारी और उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ। जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।